हेलो फ्रेंड्स, द साइंस स्टडी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम इम्यूनिटी और उसके टाइप्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं इम्यूनिटी क्या होता है। इम्यूनिटी बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जो इन्फेक्शन, बीमारी और जो अन्य अनुवांशिक जैविक हमलावर्स होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, बहुत सारे ऐसे होते हैं, तो ऐसे हमलावरों के लिए पर्याप्त जैविक रोग प्रतिरोधक होने की स्थिति का वर्णन करती है। मतलब हमारे बॉडी में इन हमलावर्स को निपटने के लिए इम्यूनिटी को डेवलप करती है। इम्यूनिटी हमारे बॉडी की एबिलिटी होती है जो पैथोजन से हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है, मतलब प्रोटेक्ट करता है, और बॉडी को जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया, वायरस जो होते हैं, इन सभी से प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ इम्यूनिटी। तो क्या होता है इम्यूनिटी? हमारे इम्यून सिस्टम का भाग होता है जिसका मुख्य कार्य शरीर को रोगों से बचाना होता है। सिंपल सी भाषा में बोलें तो जो भी रोग होते हैं उनसे लड़ने की जो शक्ति होती है वो इम्यूनिटी कहलाती है। जैसे मान लेते हैं ये पैथोजन्स हैं और ये हमारा बॉडी जहाँ इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है, तो इम्यूनिटी डेवलप होने के बाद जैसे ही जो पैथोजन्स होते हैं, इन्फेक्शन्स होते हैं, हमारी बॉडी में आते हैं, तो बॉडी क्या करता है, जहाँ पे इम्यूनिटी तो पहले से आ चुकी है, तो ये क्या करता है, इन जो पैथोजन्स होते हैं, इन्फेक्शन से फाइट करता है, उनको दूर हट। अब आगे हम टाइप ऑफ इम्यूनिटी को देखेंगे तो ये दो प्रकार के होते हैं, इननेट इम्यूनिटी और दूसरा होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होता है उसे ही एडप्टिव इम्यूनिटी भी कहा जाता है, और एडप्टिव इम्यूनिटी को आगे भी विभाजित कर दिया गया है जिसको हम आगे चल के देखेंगे। अब हम इम्यूनिटी के टाइप्स को देखते हैं कि फर्स्ट टाइप क्या है, इनेट इम्यूनिटी। तो सबसे पहले हम जानते हैं ये होता क्या है। इनेट इम्यूनिटी जो होती है वो इम्यूनिटी जो कि जन्म के पहले ही माँ के द्वारा प्राप्त होती है, इसे इनेट इम्यूनिटी कहते हैं। और यह इम्यूनिटी जो होती है वो जेनेटिक होती है, जैसे जो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होती है। ये जो होता है ये नॉन स्पेसिफिक होती है, ये किसी भी प्रकार की मेमोरी को नहीं रखती है। टाइप ऑफ इनेट इम्यूनिटी ये भी तीन प्रकार की होती है, स्पीसीज इम्यूनिटी, रेशियल इम्यूनिटी और इंडिविजुअल इम्यूनिटी। आगे हम प्रभावित करने वाले कारक के बारे में देखेंगे, जो भी फैक्टर हैं उसे। एज के साथ साथ इम्यूनिटी भी कम होती जाती है, जैसे ही एज बढ़ते जाता है इम्यूनिटी भी घटती जाती है। न्यूट्रिशन की मात्रा कम हो जाने पर भी जो भी इनेट इम्यूनिटी होती है वो प्रभावित होती है। अब थर्ड हम बात करें तो हार्मोन्स के कम या ज़्यादा हो जाने पर भी इनेट इम्यूनिटी पर इफेक्ट पड़ता है। अब हम इम्यूनिटी के सेकेंड टाइप एक्वायर्ड इम्यूनिटी को जानते हैं क्या होता है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी को एडप्टिव इम्यूनिटी भी कहा जाता है। यह हमें जन्म के बाद से ही प्राप्त होता है। यह स्पेसिफिक होती है या इम्यूनिटी मेमोरी रखती है। अब जो एडप्टिव इम्यूनिटी होती है, आगे इसको दो भागों में विभाजित किया गया है, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। तो जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है उसको भी दो भागों में बांट दिया गया है, और जो पैसिव इम्यूनिटी होती है वो भी दो भागों में बढ़ जाता है, नेचुरल इम्यूनिटी और आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। अब इसको हम आगे डिस्क्राइब करते हैं। अब हम फर्स्ट देखते हैं जो एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, इसको दो भागों में जो बांटे हैं उसे देखते हैं। पहले तो हम नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में जानते हैं। यह इम्यूनिटी हमें तब मिलती है जब कोई भी बैक्टीरिया या वायरस हमारी बॉडी में इंटर हो और हमारा इम्यून सिस्टम अपने आप ही इम्यूनिटी बना लेती है, तो उस इम्यूनिटी को नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। अब सेकेंड की बात करें, आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, तो इस प्रकार की इम्यूनिटी को वैक्सीनेशन भी कहा जाता है, क्योंकि जब कोई वैक्सीनेशन दी जाती है तब हमारा इम्यून सिस्टम इम्यूनिटी बनाता है, और इस इम्यूनिटी को आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी कहते हैं। आगे हम सेकेंड टाइप को देखते हैं, पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इसे भी दो भागों में बांट दिया गया है, पहला नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इस प्रकार की इम्यूनिटी हमें जन्म के बाद प्राप्त होती है, जैसे कि माँ के दूध में कई प्रकार की इम्यूनिटी होती है जो बच्चों में माँ के दूध के द्वारा चली जाती है। इस प्रकार की इम्यूनिटी को नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। अब आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी होता क्या है? तो इस प्रकार की इम्यूनिटी में हमें आर्टिफिशियली रूप में दी जाती है, जैसे कि प्लाज्मा, टिटनेस, बहुत सारे आदि।